नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिन्हा फिर आपके बीच में एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और ये वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से रिलेटेड है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अनुपात तथा समानुपात में सिक्कों पर आधारित प्रश्नों को कैसे बिना एक्स वाई जेड के हल किया जा सकता है और इसे कितना कम से कम समय में बनाया जा सकता है। और यहाँ मैं ऑलरेडी लिख के रख चुका हूँ कि सिक्कों के प्रश्नों को कितनी विधि के द्वारा हमारे प्रश्न में दिए जाते हैं और उसे किस विधि के द्वारा हमें बनाना है। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरा पुनः आग्रह है कि आप हमारे द बेस्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा तथा साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में अपना अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर भेजें तथा साथ ही मैं जो प्रश्न आपको देता हूं कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर आप लिख कर दें। जैसे पिछले वीडियो में आप लोगों ने मुझे इसका उत्तर लिख कर दिया और बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया, तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप मेरे प्रश्नों का सही सही उत्तर दें और खुद देखें कि कम से कम समय में कैसे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन जो हमारा बेस्ड होता है नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड द वैल्यू ऑफ पॉइंट्स पे। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न को ये दो मुख्य तरीकों से हमारे पास दे रखा रहता है प्रश्नों में। पहला जो तरीका है जब सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हो, और दूसरा जो तरीका है जब सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया हो। तो इन दोनों तरीकों को कैसे हम हल करते हैं, तो आइए हम लोग बात करते हैं इसको छोटे छोटे प्रश्नों से कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से कम समय में हल कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं प्रश्न ही छोटे छोटे प्रश्नों पर हम और देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को और कैसे बनाया जा सकता है। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हमारे एनटीपीसी और एसएससी दोनों के एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछ चुका है, तो देखते हैं कि इसे कैसे हम बना सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि एक थैले में एक रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है तथा एक रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। इस थैले में कुल 56 रुपए हैं, तो बताएं कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखते हैं इसको हम आसान तरीके से कैसे हल कर सकते हैं। तो आइए यहाँ क्वेश्चन दिया है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के बारे में। 1 रुपए अनुपात 50 पैसे अनुपात 25 पैसे और इनका अनुपात स्पष्ट रूप से नहीं दिया, उसे शब्दों में वर्णित किया है। तो हम यहाँ से शब्द पकड़ते हैं। कहा क्वेश्चन में कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है, अर्थात अगर हम रेशियो लें 50 पैसे और 25 पैसों का, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों से दुगनी है, अर्थात 25 पैसे के सिक्के अगर एक हो तो इसका दुगना हमारे पास 50 पैसे के सिक्के होंगे। साथ ही में और कह रहा है तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, अर्थात 50 पैसे और 1 रुपए के अनुपात को देखें तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से ये 4 गुनी है। जब हम इनको बनाते हैं तो आपको याद होगा कि इसको हम आसान से कैसे बना सकते हैं। ये दो अलग अलग रेशियो दिया है, तो याद करें कि मैंने बताया था टाइप वन में कि अगर हम इसे 25 पैसे पहले लिखे और यहाँ पर ये अनुपात क्या होगा उलट जाएगा, 1:2 का अनुपात हो जाएगा और साथ ही यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1:2 का अनुपात और साथ ही 50 पैसे 1 रुपए का अनुपात अगर निकाले हम, तो हमारे पास 50 पैसे और 1 रुपए का अनुपात 4 अनुपात देख रहे हैं। और टाइप वन के आधार पर जब हम यहाँ बनाते हैं जिससे खत्म किए उसी से हम क्या किए शुरू किए, अर्थात 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपए का हमारे पास अनुपात आएगा। पहले 25 पैसे के निकालने के लिए 4 एकम 4, उसके बाद
50 पैसे को निकालने के लिए हमारे पास 4 गुना 8 और उसके बाद 1 रुपए को निकालने के लिए हमारे पास 2 एकम 2 और तीनों कॉमन डेटा 2 से कट रहा है, तो इसे आसानी से हम काट देंगे 2:4:1 और यहाँ पर हमारा अनुपात ये तैयार हो गया। तो बस सिंपल है, हम इस अनुपात को यहाँ पर अब इनपुट कर देंगे, अर्थात यहाँ ध्यान दें 25 पैसों के साथ किया जाएगा 2 और उसी प्रकार 50 पैसों के साथ किया जाएगा 4 और उसी प्रकार 1 रुपए के साथ किया जाएगा 1 और ये अनुपात हमारे पास 1:4:2 का तैयार है। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए। अब यहाँ ध्यान दें, या तो हम इसको इस फॉर्मेट से भी हल कर सकते हैं, अन्यथा हम दूसरे फॉर्मेट से भी हल कर सकते हैं जहां आपका कम समय लगेगा। जैसे एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है, यानी 50 पैसे इसका दुगना है, कंफर्म। उसके बाद 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, अर्थात 50 पैसों की सिक्का संख्या 1 से 4 गुनी है। अगर मैं इसको 1 रखूं तो ये 4 चला जाएगा और चूंकि ये 4 इसका दुगना है तो 4 किस संख्या का दुगना होता है, 2 का, और 2 दुना 4 और हमारे पास यहाँ पर रेशियो तैयार हो गया एक लाइन में बिना यूज ऑफ एनी टाइप। अब यहाँ ध्यान देते हैं कि जब हम यहाँ पर इन दोनों डाटा को आपस में गुणा करेंगे और साथ ही ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि यूनिट मस्ट बी सेम, और यहाँ दोनों पैसा है और यहाँ रुपया है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, पैसा में कन्वर्ट कर देंगे। अब 100 में 1 से गुना करें तो 100p, 50 में 4 से गुना करें तो 200p और 25 में 2 से गुना करें तो 50p, अर्थात तीनों को जोड़े तो 200 और 1 300 और 50, अर्थात 350p यूनिट का वैल्यू हमारे पास अब यहाँ रुपया में दे रखा है कि इस थैले में कुल 56 रुपए हैं। तो बस इस रुपए को भी हम क्या करेंगे, पैसे में कन्वर्ट कर देंगे, अर्थात 56 × 100। अब 1p का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 56 × 100 / 350 और 0 से 0 ये कट गया, 5 से 12 से 7 बार 35 कटा और 5 से 2 बार में 10 कटा, फिर 7 से अगर हम देखें तो 8 बार में 56 कटा, अर्थात 1 यूनिट का वैल्यू हमारे पास 8 × 2 = 16 आ गया। और हमारे पास प्रश्न में दिया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसों का अनुपात हमारे पास 4 है, अर्थात हमारा उत्तर होगा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यानी 4 × 1 यूनिट का वैल्यू हमारे पास 16 है, तो 16 × 64 और हमारा ये उत्तर रेडी है। तो ऐसे ही प्रश्नों में हम आसानी से बिना XYZ किए हुए हम ऐसे क्वेश्चन को आसान तरीकों से बना सकते हैं और आगे हम इसको देखते हैं कि इसके दूसरे टाइप को हम कैसे और आसान तरीकों से हल करें। हम तो देखते हैं हमारे दूसरे प्रकार के प्रश्न पर, यहाँ पर दिया है सिक्कों के मूल्य के अनुपात पर आधारित प्रश्न, यानी अर्थात जब प्रश्नों में सिक्कों के मूल्य दिए रहते हैं और उसके बाद उनके अनुपात दिए रहते हैं तो उस पर क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसे समझते हैं, ये दिया है एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इस बार हमारे पास प्रश्न में ये दे रखा है कि कुल 340 सिक्के हैं, इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है, इन सिक्कों का मूल्य का ये अनुपात है, अर्थात 5:4:1 के अनुपात में है, तो इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी है, यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल सा मेथड, बिना XYZ के हम इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ ध्यान दें कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे दे रखा है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसा हमारे पास यह दे रखा है और साथ में यहाँ मूल्य का अनुपात हमारे पास दे रखा है, मूल्य का अनुपात, और मूल्य का अनुपात हमारे पास यहाँ है 5:4:1, अर्थात 1 रुपए का 5 और 50 पैसों का 4
और 25 पैसों का एक। अब यहाँ पर सिंपल सा एक फॉर्मेट यूज करना है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा यूनिट है उस यूनिट में बाकी सबको कन्वर्ट करना है। जैसे इससे पहले वाले स्टेप में हम लोग देखे थे कि जो सबसे छोटा यूनिट है उसमें कन्वर्ट करना था, यानी सबसे छोटा यूनिट पैसा था तो पैसा में कन्वर्ट करना था, और यहाँ सबसे बड़ा यूनिट रुपया है तो सारे को रुपए में कन्वर्ट करना है। अर्थात एक रुपए में एक रुपए के कितने सिक्के होंगे, अर्थात एक सिक्के होंगे। उसी प्रकार से एक रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे। उसी प्रकार से एक रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे। और इन दोनों वैल्यूज को हमें आपस में गुना करना है। अब यहाँ पर 5 को 1 से मैंने गुना किया तो 5 एकम 5, अनुपात 4 गुना 8, अनुपात 4 एकम 4। और यहाँ पर जो हमें ज्ञात हुआ ये सिक्कों की संख्या का अनुपात, क्योंकि सिक्कों की संख्या यहाँ प्रश्न में दे रखी है। अब यहाँ इन तीनों को जोड़ते हैं तो 8 5 13 और 4 17, यानी 17 यूनिट का वैल्यू हमारे पास 340 दिया है। तो एक यूनिट का वैल्यू हम निकालेंगे तो 340/17, अर्थात ये 20 बार में कंप्लीट कट जाएगा। और हम देखते हैं कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के कैसे ज्ञात होंगे, तो यह हमारे पास सिक्कों का अनुपात आ गया। ये क्या आ गया, सिक्कों का अनुपात। अब सिक्कों का अनुपात जब हमारे पास प्राप्त हुआ तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर में हमारे पास इस प्रश्न में जो हमारे पास दे रखा है एक रुपए के सिक्के हमें ज्ञात करना है, तो एक रुपए के कितने सिक्के हैं, तो सिक्कों का अनुपात में एक रुपए का कितना आया 5, अर्थात 5 गुना 20 यानी 100 सिक्के। उसी प्रकार से 50 पैसे के सिक्कों को जब हम प्राप्त करेंगे तो 50 पैसे के सिक्कों को प्राप्त करेंगे तो 50 पैसों का अनुपात कितना है 8, अर्थात 8 गुना 20 = 160 सिक्के 50 पैसे के। उसी प्रकार से 25 पैसे के सिक्कों को अगर प्राप्त करना है तो 25 पैसे के सिक्कों को प्राप्त करने के लिए 4 गुना 20 और इसको काटें जो गुना करेंगे तो कुल 80, अर्थात जब हम यहाँ भी जोड़ेंगे तो 340 सिक्के हमारे पास प्राप्त हुए जो वहां प्रश्न में दे रखा था। और इसी तरह से हम अपने क्वेश्चन को बहुत आसान मेथड से बना सकते हैं। तो इस पर हम एक और प्रश्न देखते हैं कि उस प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न में देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ प्रश्न में लिखा है एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 420 सिक्के हैं। यदि इनके मूल्यों का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है तो बताएं कि 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। तो बस सिंपल सा बात है, हम क्वेश्चन लिखेंगे 1 रुपए 50 पैसे और 25, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का अनुपात हमारे पास दे रखा है 2:3:5, अर्थात 2:3:5। बस एक छोटा सा चीज हमेशा याद रखें कि हमें यहाँ इस पे बात क्वेश्चन में सिक्कों की संख्या दे रखी है तो इनके मूल्य का अनुपात है ये किसका अनुपात है मूल्य का, तो हमें इसमें सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट करना है। और सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे बड़ा यूनिट है उसमें कन्वर्ट करना है, अर्थात 1 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे तो 1। उसी प्रकार 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे तो 2। और उसी प्रकार 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे तो 4। और केवल इन्हें आपस में गुना कर हम सिक्कों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। और बहुत आसान तरीकों से 2 में 1 से गुना करें तो 2, 3 में 2 से गुना करें तो 6 और 5 में 4 से गुना करें तो 20। अब जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो 20 6 26 और 2 28, हमारे पास 28 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 420 दे रखा है, अर्थात एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे बिकॉज रेशियो इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 420/28। अब 7 14 से काटे तो 14 से 2 बार में ये कट जाएगा और 14 से काटे तो 14 से ये 3 बार में कट जाएगा और ये 0, फिर 2 से ये कट जाएगा 15 बार में, और हमारे पास एक यूनिट का वैल्यू 15 आ गया। अब हमारे पास प्रश्न में कह रहा है
तो बताएं कि एक रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। तो एक रुपए वाले सिक्कों के संख्या का अर्थात उनकी संख्या का अनुपात दो है। तो एक रुपए वाले सिक्कों की संख्या का अनुपात अगर हम ज्ञात करें तो 15 में 2 से गुना करेंगे और हमारे पास इसका उत्तर 30 आएगा। तो ऐसे ही हम प्रश्नों को धीरे धीरे और बहुत आसान तरीकों से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। और एक चीज ध्यान दें, बिना एक्स वाई जेड यूज किए हुए और बिना किसी फॉर्मूला यूज किए हुए हम सभी क्वेश्चन को, गणित के किसी भी प्रश्न को हम आसानी से बना सकते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों के साथ और ऐसे ही अगले टॉपिक के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।